इनके एक डेढ़ महीने से ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टरों से दवाई ली पर कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें रसौली बताई गई और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर इन्होंने वीरवार को बिशप जी से प्रार्थना करवाई, उसके बाद अगले ही दिन ब्लीडिंग बंद होगी और वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालेलुया, हालेलुया। सब पैन भाई को जय मसीह और पास्टर जी को जय मसीह। और मेरे डेढ़ महीने से ब्लीडिंग हो रही थी और मैं डॉक्टरों के पास गई, वो कह रहे थे प्रेशर कराना पड़ेगा। और मैं गुरु जी के पास आई, किसी ने बताया भी चमत्कार चर्च में जाओ, गुरु से प्रार्थना करवाओ और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। मैंने गुरु जी अमरदीप पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और मेरी ब्लीडिंग सही हो गई। हालेलुया। और चंगे हो गए अब। और कोई एक और गवाही थी, वो गुप्त रोग था, वो भी चंगा हो गया। इनकी दूसरी गवाही है, इनको 15 सालों से गुप्त रोग था, उसके लिए भी इन्होंने बिशप जी से प्रार्थना करवाई, अब ये उस रोग से ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टरों ने क्या कहा था जब आप डॉक्टरों के पास गए थे? डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब आप इस भवन में आए, परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई, उसके बाद चंगे हो गए, अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल सही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। हालेलुया। दूसरे दिन ही ठीक हो गए थे? हाँ जी, दूसरे दिन ही ठीक हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने चंगा किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। 15 सालों का रोग प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। किसी ने कहा भी ऐसा करो, चमत्कार चर्च में चलो। हालेलुया। और ये चमत्कार चर्च में आए, प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।